अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान महक शाहिद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान किक बॉक्सिंग फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम और महकमा खेल हुकूमत बलोचिस्तान के तआवुन से अय्यूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोयटा में पाकिस्तान डायमंड जुबली मार्शल आर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। 3 दिन से ये फेस्टिवल जारी है और आज ये फेस्टिवल इख्तितामी मराहे में दाखिल हो चुका है। चले आए चलते हैं और इख्तितामी मराहे को मुलाहजा करते हैं। अय्यूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोयटा में मनाकिदा 3 रोज़ा मार्शल आर्ट्स फेस्टिवल कामयाबी के साथ इख्तिताम पज़ीर। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी सेक्रेटरी खेल बलोचिस्तान में इमरान गिच की और गेस्ट ऑफ ऑनर चेयरमैन रेड क्रिसेंट अब्दुलबारी बगेच थे। गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान ये कोशिश कर रही है कि उसका तसलसल ख़त्म ना हो, मतलब एक इवेंट के बाद। लास्ट ईयर हमने 12 नेशनल गेम्स कराई हैं, इस साल आप देख रहे हैं कि ये इसकी भी बड़ी तशनगी थी और ये था कि ये गेम भी होनी चाहिए। तो देखें, जहाँ पे गवर्नमेंट एक्टिव हो, एसोसिएशन एक्टिव हो, तो ये अच्छी बात है। इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए। हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब हैं और ख़ास करके सेक्रेटरी स्पोर्ट्स इमराज गिगी साहब का इसमें बहुत बड़ी काविश है कि वो सिर्फ बॉक्सिंग के हवाले से नहीं बल्कि किसी भी स्पोर्ट्स के हवाले से वो पूरे बलूचिस्तान में अंत तक मेहनत करते हैं। और जब से ये एज ए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी आए हैं तो उसका काम इंतहाई नुमाया है। 3 रोज़ा मार्शल आर्ट्स फेस्टिवल में कांटेदार मुकाबले देखने को मिले। फाइनल मुकाबलों में बलूचिस्तान ने पहली पोजीशन, सिंध ने दूसरी पोजीशन जबकि पंजाब ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जीतने वाले खिलाड़ी इस मौके पर बेहद खुश दिखाई दिए। आज मेरा फाइनल फाइट था, फिर वहाँ से मैंने गोल्ड मेडल हासिल की, मैंने फाइट विन किया। इंशाल्लाह पश्तूनाबाद का नाम बढ़ाऊंगा, इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करूंगा कि मैं और फाइटें जीतूं। इख्तितामी तकरीब में शरीक मेहमान खसूसी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। महक शाहिद, कोयटा।